श्रीनगर के हैदरपुरा में हुए एनकाउंटर को लेकर आज महबूबा मुफ्ती जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही हैं। हालांकि महबूबा मुफ्ती जम्मू के दौरे पर थी और इसी दौरान हैदरपुरा का एनकाउंटर हुआ, जहाँ पर तीन आतंकियों समेत एक मकान का जो मालिक था यानी कि जो ऑनर था वो भी मारा गया और इसमें मुदस्सिर नाम का एक और आतंकी जो था वो मारा गया, जिसके खिलाफ डिजिटल एविडेंसेस थे। लेकिन महबूबा मुफ्ती जो है वो लगातार इस बात का विरोध कर रही है कि आखिर कश्मीर में क्यों इस प्रकार की जो किलिंग्स हैं वो हो रही हैं, और इसी का विरोध करने के लिए महबूबा मुफ्ती ने आज यहाँ पर एक प्रोटेस्ट मार्च जो है वो निकाला है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस समय महबूबा मुफ्ती जो है वो अपने जम्मू स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर है और यहाँ पर वो प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रही हैं। और महबूबा मुफ्ती का यही आरोप है कि कश्मीर में जो है वो किलिंग्स जो है वो की जा रही हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो आम लोगों को, मासूम लोगों को जो है वो निशाना बना रही है। हालांकि अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने ये साफ कहा था कि जिस शख्स को एनकाउंटर में न्यूट्रलाइज किया गया है उसके खिलाफ डिजिटल एविडेंसेस हैं, यानी कि बहुत से ऐसे सबूत हैं जिससे ये साफ होता है कि वो आतंकियों को सपोर्ट कर रहा था। और मुदस्सिर की अगर बात करें तो वो वहाँ पर एक हाईटेक कॉल सेंटर चला रहा था और जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं था, यानी कि कहीं ना कहीं सपोर्ट ज़रूर थी। और जब ये ऑपरेशन हुआ उसके बाद से ही महबूबा मुफ्ती और PDP जो है वो पूरे आप ये कहें कि केंद्र और सुरक्षा एजेंसियों को जो है वो सवालों में लाने की कोशिश कर रही थी। और आज यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो महबूबा मुफ्ती ने किया है और उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी इस समय इस प्रदर्शन में शामिल है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि महबूबा मुफ्ती सिक्योरिटी के बीच दोबारा से अपने पार्टी का कार्यालय की तरफ यहाँ से मूव करती हुई। इससे पहले अब प्रोटेस्ट यहाँ पर महबूबा मुफ्ती ने किया। आपको लगता है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? पाकिस्तानी 47 में बंदूक वाले भेज दिए और कश्मीरी ने उसको रिजेक्ट किया। आज हम कश्मीरियों को अपने मुल्क की बंदूक दिखा के उनको जेर नहीं कर सकते। कश्मीरी सरेंडर करने वाला नहीं है ऐसे। उसके साथ बातचीत करो, इज्जत से बातचीत करो और उसके मसले को हल करो। लेकिन मैम, जिस तरीके से कल BJP ने रेजोल्यूशन पास किया और बोला कुछ जो नेता है वो कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने बोला मोबाइल पीछे कातिल को गोड से की पूजा करते हो उनके सामने क्या जवाब? सर थोड़ा साइड में सवाल कर लो। इस मुल्क को किसका रोहित है? एक मुझे दे दे, मुझे दे दे, पीछे हाथ मुझे कर ले। भाई जी, कश्मीर ने कहा कि सभी चारों के खिलाफ डिजिटल एविडेंसेस मौजूद है कि वो आतंकी गतिविधियों में मोबाइल सर मेरा नहीं ना लग रहा होने की वजह से कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल मासूम लोग हैं और आज उनके घर वाले उनकी लाशें मांग रहे हैं और उनको वो लाशें भी नहीं दी जा रही। मैम, सुप्रीम एनकाउंटर में भी इन्होंने यही बोला था कि डिजिटल एविडेंस है, बिल्कुल बिल्कुल सुप्रीम एनकाउंटर में भी बोला था। उससे पहले आधार मुश्ताक मारा गया तब भी बोला था हमारे पास एविडेंस। और यहाँ पर आप देखिए कि किस प्रकार धक्का मुक्की जो है वो उनके सिक्योरिटी के जो उनके जो रक्षक हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल आप ये देखिए कि किस प्रकार का माहौल यहाँ पर है और उनके जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर मीडिया को भी जो है वो देखिए किस प्रकार से पुश कर रहे हैं, किसी को भी यहाँ पर नहीं बख्शा जा रहा है। और बाइट लेने की हमारी कोशिश है, प्रोटेस्ट यहाँ पर किया, बाइट लेने की हमारी कोशिश है लेकिन किसी को भी जो है वो आगे नहीं जाने दिया जा रहा। प्रोटेस्ट किया गया हैदरपुरा एनकाउंटर के खिलाफ कि आखिर क्यों वहाँ पर जिनकी जिन दो लोगों को न्यूट्रलाइज किया गया वो लोग इनोसेंट थे, ऐसा महबूबा मुफ्ती का कहना है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से ये साफ कहा गया कि उनके खिलाफ सबूत थे कि वो लोग जो थे वो टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, उन्होंने आतंकियों को सपोर्ट की और इसीलिए उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया। लेकिन प्रोटेस्ट यहां पर हुआ है आज PDP का और महबूबा मुफ्ती जो हैं वो खुद इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई और इस समय वो पार्टी कार्यालय के अंदर दाखिल हो चुकी हैं। और मैं आपको बता दूं कि हैदरपुरा एनकाउंटर जो है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इस समय इशू है जिसको लेकर PDP जो है और विशेषकर महबूबा मुफ्ती जो है वो लगातार केंद्र सरकार पर और एजेंसीज पर सवाल खड़े कर रही हैं। उनका ये आरोप है कि कश्मीर में जो इनोसेंट लोग हैं यानी कि जो मासूम लोग हैं उन्हें मारा जा रहा है और उसके बाद किसी दूसरे खाते में यानी कि उन्हें आतंकी डिक्लेयर किया जा रहा है। हालांकि अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने यह साफ कहा था
कि मुदस्सिर के खिलाफ एविडेंसेस हैं और डिजिटल एविडेंसेस हैं जिन्हें शेयर किया जाएगा, यानी कि उसके खिलाफ सबूत थे। उसने वहाँ पर एक रेंटेड अकोमोडेशन लिया हुआ था, वहाँ पर एक कॉल सेंटर वो चला रहा था और भी बहुत सी चीज़ें वहाँ से सीज हुई हैं। और हालांकि जो हाउस ऑनर था उसके बारे में अभी फिलहाल ये वेरीफाई नहीं हो पाया है कि वो आतंकी की गोली से मरा है या फिर क्रॉस फायरिंग में उसे बुलेट जो है वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस की बुलेट थी वो लगी है। लेकिन इस पूरे मामले पर महबूबा मुफ्ती ने जो है वो कहीं ना कहीं एजेंसीज को, सिक्योरिटी फोर्सेज को घेरने का काम किया है और उसी को लेकर एक प्रेशर माउंट करने की कोशिश थी। कल जिस समय उन्होंने अपनी स्पीच यहाँ पर शुरू की तो पहला शब्द ही उन्होंने हैदरपुरा एनकाउंटर पर बोला था और उसके बाद आज मीडिया एड्रेस था, लेकिन अचानक से एक प्रोटेस्ट यहाँ पर रखा गया, प्रोटेस्ट मार्च यहाँ पर हुआ और तस्वीरें हम आपको जो दिखा रहे हैं उसके बाद महबूबा मुफ्ती ने यही कहा कि कश्मीर में जो इस समय के सूरत हाल है कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है और जो प्लेकार्ड से यानी कि जो बैनर्स थे उनमें यही लिखा गया था कि स्टॉप किलिंग अस, यानी कि हमें मारना छोड़िए। लेकिन सवाल ये है कि जिनके खिलाफ डिजिटल एविडेंसेस हैं, जिनके खिलाफ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के पास तमाम सबूत हैं कि उनका आतंकी कनेक्शन है, वो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, तो फिर ऐसे में वो लोग मासूम कैसे हो सकते हैं? क्या एक पॉलिटिकल आप ये कहें कि माइलेज लेने के लिए किसी को भी आप जो है वो मासूम कह सकते हैं और ऐसे शख्स को भी कह सकते हैं जिसके खिलाफ एविडेंसेस हो? बहरहाल यहाँ पर महबूबा मुफ्ती ने प्रोटेस्ट किया है और एक बार फिर से केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों को जो है वो घेरने की कोशिश की है, उन पर आरोप लगाए हैं कि कश्मीर में मासूम लोगों को जो है वो आतंकवाद के नाम पर मारा जा रहा है। नमस्कार।